कल का महाराष्ट्र बंद गैरकानूनी, किसी भी पार्टी को महाराष्ट्र बंद बुलाने का अधिकार नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद बुलाने पर सरकार को दिए कार्रवाई करने के आदेश। हाईकोर्ट की रोक के बाद महाविकास आघाड़ी ने वापस लिया महाराष्ट्र बंद, शांतिपूर्वक विरोध करने की अपील। उद्धव ठाकरे शिवसेना भवन के बाहर, नाना पटोले थाने में और शरद पवार पुणे में मुंह और हाथ पर काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध प्रदर्शन, जनता से सहभागी होने की अपील। महाराष्ट्र में कल नहीं बंद रहेगा स्कूल कॉलेज, लोकल ट्रेन, बेस्ट बस और सभी दुकानें भी रहेंगी चालू। मुंबई के पवई में फटा पाइपलाइन, देखते ही देखते उठने लगे तेज फव्वारे, कई स्थानों पर पानी की होगी किल्लत। मुंबई के इतिहास में अगस्त का अब तक सबसे गर्म दिन, 18 अगस्त को तापमान 33.5 डिग्री पहुंचा और 55 साल पुराना रिकॉर्ड भी टूटा। गणेशोत्सव, जन्माष्टमी या फिर दिवाली पर प्लास्टिक के फूलों पर महाराष्ट्र में बैन, नहीं माने तो भरना पड़ेगा भारी फाइन। जैसा कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ वैसा ही तुम्हारे साथ करूंगा। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑटो ड्राइवर ने स्कूल जा रही दो लड़कियों को धमकाया, लड़कियों ने ड्राइवर की कर दी पिटाई। नालासोपारा में नाबालिग लड़की से दो लोगों ने की सामूहिक दुष्कर्म की वारदात, दो आरोपी हुए गिरफ्तार। मदलापुर यौन उत्पीड़न केस में जांच कमेटी ने भेजी चौंकाने वाली रिपोर्ट, स्कूल की लापरवाही का भी किया जिक्र। मेट्रो एक रूट पर 100 करोड़ लोगों ने की मेट्रो यात्रा, पीक आवर्स के दौरान बढ़ी भीड़। अब मुंबई में कोलकाता जैसा कांड, चाचा ने 13 साल की भतीजी के साथ की दरिंदगी। शनिवार और रविवार को मुंबई में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 10 दिन में भरे गड्ढे, गणेशोत्सव में खलल ना डालें, नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने की मनोज जारांगे से भेंट, बोले महाराष्ट्र सरकार को आरक्षण पर अब विचार करना चाहिए। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टर ने वापस ली हड़ताल, आश्वासन दिया कि कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। पुणे पोस्ट केस में कोर्ट ने कार चलाने वाले नाबालिग के माता पिता, 4 अन्य आरोपियों की जमानत की खारिज। करोड़ों के घोटाले में ईडी ईडब्ल्यूओ जांच, फिर भी इकबाल सिंह चहल को बनाया एसीएस होम, महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। राज ठाकरे की पार्टी ने दो और प्रत्याशियों का किया ऐलान, मनदीप रोडे, सचिन भोयर नेताओं को दिया टिकट। राज्य के सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और स्टाफ की सघन जांच करने के दिए आदेश। बदलापुर स्कूल यौन शोषण मामले पर आरोपी अक्षय शिंदे की मां का आया बयान सामने, कहा उनका बेटा निर्दोष है, उसे मामले में झूठा फंसाया गया। ईमेल में लिखे शब्द और भंगिमा भी कर सकते हैं, महिला की गरिमा का अपमान, बॉम्बे हाईकोर्ट का अहम फैसला। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा 60 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी, एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार का दावा। बुलढाणा हिल गया जब टीचर द्वारा 4 बच्चों का यौन शोषण किया, सिंध खेड़ राजा में सनसनीखेज वारदात।